Rajina Gowala, a tribal girl from Tibruker who won a gold medal in the 11th South Asian Ashihara Karate Championship 2022, has requested the government to provide some facilities for her training. She could not attend regular classes because of going to work during the day. Rajina Gowala told ANI. She takes karate classes early in the morning and has been learning karate for the past seven years. Regina &I, the 11th South Asian 2022 यानाथ विद्यापात हाई स्कूल वेस्ट बंगाल फ्रॉम जून 24 फोर्थ टू जून 26। अच्छा सरकार से आह्वान तो यही करेंगे जैसा इतना आजकल लड़की का, का देखिए लड़की का सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है ये तो सब लोग जानते हैं और हम लोग का अभी सरकार जो बीजेपी सरकार है वो स्पोर्ट में बहुत गुरुत्व दे रहा है बहुत गुरता हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, सरकार को ऐसा लड़की को कुछ थोड़ा सा सुविधा दीजिए और देश का नाम ये लोग लड़की ही उज्जवल करेगा और ऐसा है अभी अभी हम लोग का हम खुद अभी बहुत एसोसिएशन का साथ में हम जुड़ते हैं हम आसाम ओलंपिक एसोसिएशन का साथ में भी है वो लोग हमको बोल रहा है तुम अच्छा से लड़की निकलाओ ओलंपिक तक जाने के लिए रास्ता मतलब क्लियर है लेकिन कुछ बात है कुछ प्रॉब्लम है ये लोग का जैसा पेंटिंग का हम लोग का प्रैक्टिस करने के कुछ सामान का पोजीशन होता है एक खरीद नहीं सकता है ऐसा बहुत प्रॉब्लम है इसलिए सरकार से अनुरोध करेंगे हम इससे लड़के को थोड़ा सा सुविधा दीजिए मुझे तो पहले मैं स्कूल जाता था क्लास एट तक पढ़ा उसके बाद हमारा पापा जो बागान में परमेंट काम करता था तब पापा का रिटायरमेंट हो गया घर में ऐसा आदमी नहीं था काम सम लेने के लिए और घर चलाने के लिए तब मुझे ही क्लास एट में स्कूल छोड़ना पड़ा और काम लेना पड़ा उसके बाद मैं काम दो साल किया उसके बाद मैंने मुझे मन से कुछ करने के लिए इच्छा था कि मैं कुछ करूँ पढ़ाई करूँ या कुछ करूँ लाइफ में तो तब मैंने देखा सार सबको यहाँ पे एक सिखा रहा था तब मेरे को मन करा कि मैं भी ये करूँ मैं पढ़ नहीं सकता है सकता हूँ दिन में काम जा जाना पड़ता है इसलिए मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ लेकिन सुबह में मैं तो कराटे कर नहीं सकेंगी इसलिए मैंने कराटे किया कि मैं सुबह तो कराटे करके और तो सार तो साढ़े चा, चार बजे से पूरा साढ़े छः बजे तक कराटा था कराटे तो साढ़े चार बजे से चार बजे से और साढ़े छः बजे से के बीच में हमारा कुछ काम नहीं था बागान में हमारा काम ज्वाइन करता है हम लोग साढ़े सात बजे का बागान में इसलिए मैंने चार बजे से साढ़े छः बजे तक कराटे सीखने के मन इच्छा किया कि हम मैं इतना टाइम मैं कराटे में दूंगी उसके बाद में दिन ठूक काम करेंगे इसके लिए इसलिए मैंने कराटे में ज्वाइन किया टाइम भी मिल गया इसलिए और मेरा भी मन था कि मैं कुछ करूँ कराटे हमारा पूरा सात साल हो गया अभी जो है घर में कौन कौन है अपारे? घर में मम्मी है पापा है और एक छोटा बहन है और दीदी था चाटू वो शादी हो गया और मैं हूँ पढ़ाई चल रही पढ़ाई तो मैंने जो काम लिया तभी छोड़ दिया था एट से उसके बाद मैं जब कराटे में गया अच्छा से किया जहाँ भी खेलने के लिए जाता था अच्छा मेडल लेके आता था तब हमको सार ने बोला कि तुमको पढ़ना भी जरूरी है सिर्फ खेलने से नहीं होगा तुम्हारा पढ़ाई भी जरूरी है इसलिए सर ने बोला कि मैं पढ़ने की इच्छा है कि नहीं मुझे पूछा तो मैंने कहा हाँ मुझे पढ़ने के लिए इच्छा है तब सर ने एक स्कूल हम लोग का इधर में टिटाली मोर हाई स्कूल में जाकर सर ने बात किया कि ये लड़की पढ़ेगा लेकिन एग्ज़ाम देगा क्लास नहीं करेगा इसका काम है परमानेंट काम नहीं तो इस प्रॉब्लम हो जाएगा दिन में स्कूल आने से घर नहीं चलने सकेगा ये स्कूल आएगा पढ़ाई करेगा तो तब तो सर ने गया वहाँ से बात कर दिया हम लोगों का सार के साथ में और एक एप्लीकेशन लिख दिया और वो सार को दिया कि ये सिर्फ एग्ज़ाम देगा और पढ़ाई नहीं करेगा तब मैंने ज्वाइन किया स्कूल में उसके बाद जाकर वहाँ पे पढ़ाई एग्ज़ाम देने के लिए गया ऐसे ही करके मैंने एट से टेंथ तक मेट्रिक तक पढ़ाई किया